तो वहीं एक तरफ जहां उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, बीजेपी ने चुनाव को देखते हुए किसानों को लेकर कृषि कानून वापस लेने का जो फैसला लिया है वह चुनाव जीतने में बीजेपी की मदद करेगा या नहीं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो लंबे समय से किसान कृषि कानून बिल वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। लगभग एक साल तक इस आंदोलन में लगभग सैकड़ों किसानों की जान भी चली गई और आंदोलन को बढ़ता देख केंद्र सरकार ने तीनों ही बिलों को वापस लेने का फैसला लिया जो कि संसद में पारित भी हो गया, जिसके बाद देश के किसान उत्साहित हैं और जगह जगह रैली निकालकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। डोईवाला में भी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने नगर क्षेत्र में रैली निकालकर एक दूसरे को मिष्ठान वितरण किया। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि लंबे समय तक किसान कृषि बिल वापसी की मांग पर डटे रहे, जिसके बाद केंद्र सरकार को किसानों के हक में फैसला लेना ही पड़ा और तीनों बिलों को वापस भी लेना पड़ा। इससे किसानों में जश्न का माहौल है और किसानों डोईवाला में रैली निकाल मिठाई का वितरण किया जा रहा। वहीं किसानों ने आंदोलन के दौरान मृतक किसानों को मुआवजा दिए जाने के साथ शहीद का दर्जा भी दिए जाने की मांग की है। तो अब वहीं आंदोलन खत्म करके किसानों ने घर वापसी कर ली है और इससे सीमा देखिए आगे आने वाले चुनाव में सरकार को क्या फायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा कि ये तो चुनाव के रिजल्ट ही जब आएंगे वही तय करेंगे कि आंदोलन ये कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार को क्या लाभ मिल रहा है। बिल्कुल जया, जिस तरीके से आपने बोला ये वक्त ही बताएगा, रिजल्ट ही बताएगा कि किस तरह के फायदे उन्हें मिले हैं और किस तरह के फायदे नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर जब देखा जाए किसान अपनी जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। किसान ने बॉर्डरों से वापसी कर ली है, अपनी कई मांगे हैं जो अभी भी उन्होंने रखी हुई है, चाहे वो मांग फिर किसानों को शहीद की भूमि का दर्जा दिलाना हो या फिर वो मांग मुआवजे दिलाने की हो, साफ तौर पर मांग नजर आ रही है। और यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले उत्तराखंड के डोईवाला में भी किसानों ने जश्न आया है। और अब ये देखने वाली बात होगी जो यहाँ पर जाए, अगर चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो ये जो किसानों का मुद्दा था वो काफी गंभीर मुद्दा था, जिसको विपक्ष बार बार उठाती नजर आई, जिसको लेकर के विपक्ष ये सोच रही थी कि किसानों के मुद्दे को लेकर के जीत दर्ज करवाएगी। पूर्वांचल में किसान खासा नाराज नजर आ रहे थे बीजेपी सरकार से। अब जो ये फैसला चुनाव से चंद महीने पहले लिए गए हैं, इन फैसलों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार चाहती है कि जो किसानों का वोट बैंक है वो कम ना हो बीजेपी के लिए, और बीजेपी में अब वोट बैंक किसानों का बढ़ता नजर आया उसको लेकर के फिर चाहे ये किसान तीन कृषि कानून बिल वापसी हो। पूर्वांचल की तरफ देखा जाए या फिर उत्तराखंड में भी देखा जाए, खासा किसान नाराज नजर आ रहे थे। उत्तराखंड में अब किसानों ने खुशी जाहिर की है और अपने जीत का जश्न भी हालांकि वो मनाते नजर आए हैं। वही हमने देखा था जब जिस तरीके से तीनों कृषि बिल वापसी हुए थे उस वक्त राकेश टिकैत द्वारा ये बयान सामने आ रहा था कि नई आंदोलन वापसी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अभी अपनी और भी 6 सूत्रीय मांगे हैं, उसके लिए वो डटे नजर आएंगे। फिर चाहे वो एमएसपी पर कानून बनाने का मांग हो, मुआवजे दिलाने की मांग हो, सभी मांगों को लेकर के वो यहाँ पर अडिग होते नजर आए थे। लेकिन अब सरकार द्वारा उन्हें मनाने की कवायद की गई और उनके द्वारा उन्हें मनाया भी गया, जो यहाँ पर बीजेपी सरकार साफ तौर पर सफल नजर आ रही है। 714 किसान भी शहीद हुए, उनको नमन करते हुए एक बहुत बड़ी जीत किसानों की हुई है और एक हिटलर शाही सरकार आज झुकी है उसके आगे किसान जब संघर्ष था, संघर्ष किसान मोर्चा आज जीत का है उसका जश्न मना रहे हैं। और हमारे सभी किसान दिल्ली से भी 11 तारीख को जैसा आदेश था कि लौटेंगे, आज लौट रहे हैं। उस जीत को हम जो पूरे साल भर से किसान जूझ रहा था, किसानों के ऊपर मुकदमे थे, किसानों की आपदा में था और वो दिल्ली के बॉर्डर में बैठा था, वो किसान आज खुश है और अपने घरों में लौट रहा है। और ये जीत का जो जश्न है पूरी जोरों से हम डोईवाले में भी मना रहे हैं। कितने हमारे इस संयुक्त किसान मोर्चा में जितने संगठन किसानों के थे उनका धन्यवाद करूंगा, उन्होंने एक साल से अधिक की लड़ाई जो है एकता का एक प्रूफ देते हुए, एकता का पैगाम देते हुए उन्होंने सकुशल ये लड़ाई लड़ी है और जिसका अंजाम जो है आपके सामने आया है। जो निकम्मी और झूठी फरेवी सरकार थी वो हारी है और किसान इस लड़ाई में जीता है। तो कृषि कानून की वापसी के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर एक साल से चल रहा संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन समाप्त हो गया है। देश भर के किसान आंदोलन स्थल से घर वापसी की ओर आने लगे हैं। किसानों की घर वापसी पर उत्तराखंड नारसन बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया है। तो सैकड़ों की संख्या बॉर्डर पहुंचने पर किसानों ने उत्तराखंड नारसन बॉर्डर से विजय यात्रा भी निकाली है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि किसानों के सामने पीएम मोदी घुटने टेक दिए, कृषि बिल के काले कानून की वापसी से किसानों की जीत हुई है।
उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और ना किसान उनकी शहादत भूल पाएगा, जिसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा। यहाँ पर जया देखा जाए, किसान अभी घर वापसी तो उनके द्वारा हुई है, लेकिन जो गुस्सा उनके अंदर नजर आ रहा है उसको लेकर के क्या ही चुनाव पे असर देखने को ना मिले। यहाँ पर साफ तौर पर किसान खुश भी हैं, जश्न भी मनाते नजर आए, लेकिन जिन किसानों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी उन किसानों को लेकर के शहीद का दर्जा उन्हें दिलाने, मुआवजे की बात यहाँ पर की जा रही है, उसको लेकर के अब मांग तो बार बार की जा रही है, लेकिन सरकार कितनी उनकी मांगों को मानेंगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि चुनाव नजदीक है और यहाँ पर किसान ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव में, विधानसभा चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन किस तरह से देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। क्या बीजेपी का वोट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, ऐसे में जो बिल वापसी हुई है उसके बाद से साफ तौर पर बीजेपी यही उम्मीद करती नजर आई होगी कि किसानों का वोट मिलेगा। हालांकि जया देखा जाए उनको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी देखने वाली बात होगी, और ये सब तो विधानसभा रिजल्ट में ही पता चल पाएगा, चुनाव के रिजल्ट में ही कि किस तरीके से अब जो चुनाव जीतने की कवायद हर दल द्वारा यहां पर की जाए, कोई भी दल पीछे नजर नहीं आ रहा, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, हर किसी द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है। हमने देखा आम आदमी पार्टी द्वारा किस तरीके से कवायद की जा रही है, व्यापारी वर्ग को साधने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, फिर चाहे वो ऑटो चालक हो उनको साधने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखा जाए उत्तराखंड में कांग्रेस द्वारा जमीनी स्तर पर जाके काम किया जा रहा है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा आम जन से मुलाकात करते वो नजर आते हैं, तमाम दावे तमाम वादे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे जो बीजेपी द्वारा दिए गए उसमें अब जो यहाँ पर अगर देखा जाए कांग्रेस द्वारा जो महिलाओं को लेकर के कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर के आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब ये सारे नारे कितने आगे काम आएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो यहाँ पर कृषि कानून को लेकर के किसान खासा दुखी भी हैं, खुश भी हैं, साथ साथ वोट की चोट की बात भी जो कही जा रही थी वो भी किस तरह से देखने को मिलेगी ये देखने वाली बात होगी।